आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के पूर्व नियोजित धरना प्रदर्शन में आज सैकड़ों सपाइयों ने उन्नाव की सभी तहसीलों में अपना विरोध जताया। वहीं जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में आसपा एमएलसी सुनील साजन के नेतृत्व में लगभग 2 सैकड़ा सपाइयों ने महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं योगी और मोदी विरोधी नारे भी लगाए गए। मामले में सुनील साजन ने बताया कि प्रदेश में इस वक्त भ्रष्टाचार की सरकार है, लूट मची पड़ी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, सपा नेताओं पर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, आरक्षण छीना जा रहा है, वहीं कोरोना काल में जो मृतक हैं उनके परिजनों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इस बात को लेकर कि हम लोग आज जनपद की सभी तहसीलों में धरना प्रदर्शन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम, बीज खाद कीटनाशक दवाई या कृषि यंत्रों पर जो महंगाई आई है उसके खिलाफ रोजगार कहीं है नहीं। समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, आरक्षण छीना जा रहा है। अभी पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती हुई हैं उसमें योगी जी ने पिछड़ों का आरक्षण 27% नहीं दिया है। दलितों का उत्पीड़न और जिस तरीके से लोग बेरोजगार अगर अपनी बात लखनऊ में कह रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब के खिलाफ लगातार उत्पीड़न, इन सभी मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी आज सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है।